हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर देखने वाले एक्सरसाइज यहाँ पर है 5.1। तो देखो 5.1 जो है वो हमारा क्या है, एपी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वो हम पहले ही कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। वहाँ पर हमने डिटेल में बात किया है कि एपी क्या होता है और इससे जितने भी जुड़ी हुई बातें हैं ना वहाँ पर हमने किया है। ऐसे अगर नहीं देखे हो तो भी यहाँ पर समझ में निश्चित तौर पर आएगा ही। यहाँ पर देखेंगे करना क्या इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या एक है, एक में टोटल 4 प्रश्न है। निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याएं सूची है, कुछ सूचनाएं दी गई है, उस सूचना को हमको एपी के यानी कि संख्याओं के फॉर्म में क्या करना है, व्यक्त करना है। देन हमको विचार करना है कि क्या दी गई संख्या जो है, एक सूची जो है संख्याओं की मिलेगी, वह एपी में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, कैसे प्रश्न करेंगे, आओ यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं, हल क्या दिया हुआ है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। अब देखो पहले किलोमीटर के लिए किराया क्या है, गौर से देखना। पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, ये है 15 रुपया। कितना है तुम्हारा, 15 रुपया है। अब क्या कह रहा है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। अतिरिक्त किलो पे जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपया तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो हम दूसरे किलोमीटर के लिए जाते हैं, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया अगर हम देखते हैं तो 15 तो पहला किलोमीटर का हमको लग ही रहा है, यहाँ पर 8 रुपया हमको और लग जाएगा, 15 और 8 23 रुपया लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे किलोमीटर के लिए जाते हैं तो 15 तो पहले लग ही रहा था, दूसरे किलोमीटर का 8 और फिर तीसरे किलोमीटर का 8, तो 15 8 23 23 8 31 रुपया इस प्रकार से लग जाएगा। फिर अगर चौथे किलोमीटर के लिए देखें तो 15 प्लस 8 दूसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए फिर 8 और फिर चौथे किलोमीटर के लिए 8, इस प्रकार से हमको 4 किलोमीटर का किराया पड़ने वाला है। अब ये कितना होगा, जोड़ोगे 15 8 23 23 8 31 31 8 39। तो ये कुछ हमको नंबर्स मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार प्रथम दूसरे तीसरे और चौथे किलोमीटर का किराया क्या निकल के आएगा, जरा देखना है। यहाँ पर 15 23 31 39 ये निकल के तुम्हारे पास और भी आ सकता है। अगर तुम चाहो 5वें किलोमीटर का किराया निकालो, 6ठे किलोमीटर का निकालो, 7वें किलोमीटर का निकालो, ये सारे भी निकाल सकते हो। 4 का हमने निकाला है। अब पता करना है क्या ये जो नंबर्स हमको मिला है, संख्याओं की एक सूची हमको यहाँ पर मिल गया है, पता करना है कि क्या यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो इस तरीका क्या है, जो सबसे पहले नंबर दिया हुआ है इसको बोलेंगे A1, दूसरे नंबर पर है A2, तीसरे नंबर पर है A3 और चौथे नंबर पर है इसको बोलेंगे A4। यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये हो गया हमारा चौथा पद। 4 पद है इस एपी में अभी के लिए मान लेते हैं। हमको पता करना है कि क्या यह एपी में है तो सार्वांतर बराबर आना चाहिए। सार्वांतर किसको बोलते हैं, 2 पदों के बीच में के अंतर को, यानी बाद वाले में से पहले वाले को घटाना पड़ेगा। यहाँ अब निकालते हैं A2 - A1 निकालते हैं। A2 का मान 23 है और A1 का मान 15 है, ये निकलता है 8। फिर A3 - A2 करते हैं, ये कितना है 31 है और -23, यहाँ भी आएगा 8। फिर A4 - A3 करते हैं, A4 है 39 और A3 है यहाँ पर 31, ये भी निकल रहा है हमको 8। यानी कि इस जो संख्याओं की सूची हमको जो मिला है उसमें कहीं भी 2 पदों के बीच का अंतर ले रहे हैं तो बराबर आ रहा है, 8 8 8 ही आ रहा है। क्या लिखेंगे, यहाँ सार्वांतर समान है अतः यह एपी में है। क्या है, एपी में। अगर कहीं भी हमको नहीं मिलता समान, सपोज अगर 23 में से 15 घटाया कोई और दूसरा नंबर आता, 8 अगर कहीं भी हमको नहीं मिलता, डिफरेंस मिल जाता, 6 मिल जाता, 7 मिल जाता, कुछ और मिल जाता, 8 नहीं मिलता, तो वो एपी में नहीं होता। ये हो गया पहला प्रश्न।
और दूसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सपोज मान लेते हैं अपन, माना कि बेलन में हवा की मात्रा भी है या कुछ भी मानो एक्स है, ठीक है। शुरुआत में जो हवा है ना लीटर में होगा, उसमें लीटर में ही होगा। हवा के आयतन को किस में जान मापेंगे, लीटर में भी तो मापेंगे ना। तो हवा की मात्रा जो है वो एक्स लीटर सपोज में मान लेते हैं अपन, समझो बात को। शुरुआत में कितना है, एक्स लीटर है, ठीक है। प्रथम बार हवा निकालने पर, अब क्या है कि हवा निकालने वाला एक पंप है जिसमें से क्या किया जा रहा है कि एक बार में जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। मतलब x लीटर हवा था, इसमें से x 4 लीटर हवा निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा तुमको 4x-x/4, तो ये होगा 3x/4। ये अभी हमको बच रहा है, कितना हवा बच गया हमारा बेलन के अंदर जब प्रथम बार हवा निकाल दे रहे हैं, तो 3x/4 लीटर हवा हमको बच जा रहा है। दूसरी बार हवा निकालने पर देखो, तो प्रथम बार के अंत में बचा था हमको 3x/4, तो 3x/4 हवा है हमारे पास बेलन में, और इसमें से अपन क्या करेंगे, 3x/4 और इसका 1/4 ये हो गया, इसका 1/4 हवा भाग हवा हम क्या करने वाले हैं, निकाल देने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करो तुम, 3x/4-3x/16, इसको सॉल्व करेंगे 16 होगा, 4 चौके 16, 4 3 12x-16 = 16 3x, तो 9x/16। अब ये हमारे पास इतना हवा बच रहा है, दूसरी बार जब हवा निकाल रहे हैं तो 9x/16 बच रहा है। तीसरी बार हवा निकालने पर अब जब तीसरी बार हम हवा निकालेंगे यहाँ पर, तो शुरुआत में हमारे पास अब कितना हवा है, 9x/16 है, समझो। इसमें से 9x/16 का 1/4 भाग हवा हमको निकाल देना है, तो कितना हो जाएगा ये, 9x/16-9x/64 कितना होगा, 16 64 का लघुत्तम 64, 16 चौका 64, 9 चौका 36 -9x, तो कितना हो गया ये, 27x/64 इतना हवा बच जाएगा। अब गौर से देखो, तो अब बेलन से प्रथम बार दूसरी बार इसी तरह से तीसरी बार लिख ही देते हैं ना, तीसरी बार हवा निकालने पर बचा हवा, ठीक है। अगर इसको हम लिखे सारी संख्याओं को एक क्रम में, तो शुरू में हवा कितना था, शुरुआत में x, उसके बाद पहली बार हवा निकाले तो बच गया 3x/4, फिर तीसरी बार यहाँ पर दूसरी बार हवा निकाले तो ये बच रहा है 9x/16, फिर अगर हम देखो तीसरी बार हवा निकाल ले तो ये बच रहा है 27x/64, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है कि ये जो तुमको नज़र आ रहा है क्या यह एपी में है या एपी में नहीं है, तो करना हमको बिल्कुल वही है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 हो गया और ये तुम्हारा A4 हो गया, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले हमको करना है A2-A1, A2 का मान है 3x/4 और A1 का मान है x, इसको सॉल्व करें जरा, 4 हो गया, 3x-4x, 4 में 3 -x/4, यहाँ पर तुमको ये बच रहा है कितना, -x/4। फिर अगर हम करते हैं A3-A2, तो A3 का मान कितना है, यहाँ पर देखो 9x/16 -3x/4, इसको सब्सट्रैक्ट करो, 16 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, -4 चौका 16, 4 3 12x, 12 में से 9 घटाएंगे, -3x/4।
अब दो से ही पता चल रहा है हमको कि हर जगह सर्वांतर समान नहीं है। यहाँ पर x माइनस एक्स बट्टे फोर आ रहा है, यहाँ पर माइनस तीन एक्स बट्टे फोर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ a2 टू माइनस ए वन डज नॉट इजकल टू ए थ्री माइनस ए टू और डज नॉट इजकल टू ए फोर माइनस ए थ्री, अतः यह ए पी में नहीं है, अतः यह ए पी में नहीं है। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो है प्रश्न संख्या तीन है, यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या तीन हमारे पास है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अगर गौर से तुम समझो इस प्रश्न को समझो तो इस प्रश्न को सबसे पहले हमको संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। प्रथम मीटर खुदाई का खर्च ये तुमको बता रखा है ₹150, ठीक है। अब जैसा हमने पहला नंबर का प्रश्न किया था कि प्रथम मीटर का किराया था ₹15 और हर किलोमीटर पर ₹8 बढ़ता हुआ जा रहा था, इसी तरह से यहाँ भी है कि पहले मीटर खोदने का खर्च ₹150 है और तब दूसरे तीसरे चौथे मीटर जब खोदेंगे तो वहाँ पर हमको ₹50 का खर्च बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो दूसरे मीटर खुदाई का खर्च कितना होगा, 150 और प्लस में 50 कितना हो गया, ये 200 हो गया। इसी तरह से तीसरे मीटर की खुदाई का खर्च क्या होगा, 150 प्लस दूसरे किलोमीटर के लिए ₹50, फिर यहाँ पर ₹50, तो ये हो गया ₹250। फिर चौथे मीटर की खुदाई का खर्च क्या होगा, पहले मीटर के लिए 150, फिर दूसरे के लिए 150, फिर तीसरे के लिए 50, फिर चौथे के लिए भी 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको 150, 200, 250, 300, तो ये हो गया ₹300। यही तक हम रहने देते हैं। अब अगर देखेंगे तो प्रथम दूसरे तीसरे और चौथे मीटर खुदाई का खर्च अगर हम देखें, प्रथम दूसरे तीसरे और चौथे मीटर की खुदाई के खर्च को देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 150, 200, देखो यहाँ से 250, 300, ये आ रहा है। अगर आगे खोदोगे तो तुमको और भी खर्च यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 150 A1 होगा प्रथम पद, 200 A2 होगा दूसरा पद, 250 A3 होगा तीसरा पद और A4 यहाँ पर 300 है। अब हमको पता करना है क्या यह AP में है या AP में नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, अब करेंगे A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है 200 है और A1 का मान है यहाँ पर 150, 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना निकल रहा है, 50 आ रहा है। अब करेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान 250 और A2 का मान 200, ये हो गया हमारा 50। फिर यहाँ देखेंगे A4 माइनस A3, ये होगा 300 और माइनस का 250, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। इस तरह से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 निकल के आ रहा है। यानी कि इस वाले संख्याओं की सूची में हर दो पदों के बीच का अंतर क्या है, 50 है, मतलब अंतर समान है। क्या लिखेंगे, यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह एपी में है, इसमें है, ये एपी में। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या थर्ड। और प्रश्न संख्या चार देखे, आओ जरा देखो यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो शुरुआत में हम लिखेंगे, देखो ये हल, शुरू में खाते में राशि ये कितना है, ये है तुम्हारा ₹10,000, ये मूलधन बोल सकते हो, जिसको हम लोग पी भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर R का मान क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। अब कह रहा है कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन हमको निकालना है और फिर देखना है क्या वो जो मिश्रधन निकल रहा है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष,
उसमें क्या वह एपी में है या नहीं है, कैसे करेंगे? तो प्रथम वर्ष के समाप्ति पर खाते में धन। देखो तो यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करने वाले हैं ना, ये फॉर्मूला लगेगा पी इंटू वन प्लस आर बट्टे हंड्रेड, और चूंकि एक वर्ष का निकाल लें यहाँ पर क्या कर देंगे, एक लगा देंगे, और दो वर्ष का निकाल लें तो दो करेंगे, तीन वर्ष का निकाल रहे हैं तो पावर यहाँ पर तीन करेंगे। जैसा कि हमने बताया पी कितना है बाबू, पी है 10,000 गुने में वन प्लस आर है 8% और ये है 100, एक वर्ष का निकाल लें एक कर देंगे, 10,000 गुने, अब देखो ये होगा 2 × 8 और 25 × 100, इट मीन्स ये हमारे पास होने वाला है कितना, जोड़ो 25 × 2 = 27, ये हो जाएगा तुम्हारा 27/25, कितना हो जाएगा 27/25। एक साल का हम निकाल लें तो यहाँ पर एक देंगे, 25 × 100 = 400 यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा, कितना आ रहा है 400, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 10,800, कितना हो जाएगा ये 10,800। शुरुआत में धन कितना था 10,000 और एक वर्ष के अंत में धन कितना हो गया 10,800, ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, क्या होगा P इंटू वन प्लस आर बट्टे हंड्रेड, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, P का मान है 10,000 इंटू वन प्लस आर का मान है 8%, और ये होगा 100, और यहाँ पर चूंकि दो वर्ष के लिए कर रहे हैं तो दो लगा देंगे, ये होगा 10,000 इंटू सेम, इसको चूंकि यहाँ पर हमने किया था ना कैलकुलेशन, कितना आया 27/25, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 27/25, चूंकि पावर दो है यहाँ पर तो 27/25 और 27/25 दो बार यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो इसको रहन क्या दो, यहाँ पर देखो 25 × 100 = 400 निकल के आ रहा है, 4 × 100 होगा ना, ये 400 का मतलब क्या होगा कि ये 4 × 100 है, फिर से काटेंगे 25 × 100 = 16, तो ये हमारे पास फाइनली जो आ रहा है ना 4 × 4 = 16 − 7 = 27 × 27, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, अभी हम करके बताएंगे तुमको कितना आ रहा है। फिलहाल हम तीसरे वर्ष का देखते हैं, तीसरे वर्ष के लिए तो ये होगा P इंटू वन प्लस आर बट्टे में फिर से 100 और यहाँ पर आ जाएगा 3, ये 10,000 है P का मान, इंटू वन प्लस 8% है और नीचे में 100 रहेगा, यहाँ पर 3 कर देंगे, ये कितना होगा 10,000 × 25/27, ये देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो 25/27 ही आएगा, फिर से यहाँ पर 27/25 आएगा ना, ये 27/25 फिर 27/25 और फिर 27/25, यहाँ पर तुम्हारे पास ये निकल के आने वाला है। देखो ये दोनों काट देंगे तो अपने पास ये कितना बच जाएगा 16, जैसा कि ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, बच क्या रहा है हमारे पास बच रहा है बाबू अब 16 × 27 × 27 × 27 और बट्टे में 25। अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमने प्रथम वर्ष में क्या था, शुरुआत में जो धन था वो 10,000 रुपया था, दूसरे वर्ष में जाएंगे, दूसरे वर्ष के अंत में जो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर प्रथम वर्ष के अंत में जो खाते में धन था वो 10,800 था, फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में जो हमारे खाते में धन हो गया मिश्रधन वो 11,664 रुपया, और तीसरे वर्ष के अंत में जो हमारे खाते में मिश्रधन हो गया वो 12,597.12 रुपया हो गया। अब इसको अगर हम पैटर्न वाइज देखें, इस सभी संख्याओं को एक तरफ देखें तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम, दूसरे, तीसरे वर्ष में खाते में मिश्रधन, ठीक है। तो प्रथम वर्ष में शुरुआत में था 10,000, तो 10,000 को भी पकड़ लेते हैं, देन हो गया 10,800, देन हो गया हमारे पास कितना 11,664, और फिर यहाँ से 12,597.12, ये हमको यहाँ से निकल के आ रहा है। अब देखो गौर से देखना, यहाँ पर अगर यहाँ से घटाओ 10,800 में से अगर 10,000, यानी कि हम करना चाह रहे हैं कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया, अगर हम करें A2 माइनस A1 करेंगे तो 10,800 माइनस का
10,000 बराबर में कितना हो गया 800 हो गया, ठीक है। देन हम अगर करें A3 माइनस A2 करें तो 11,664 माइनस का 10,800, अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 4 का 4 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, देन 6 में 16 में से 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 10 10 0 में से 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 11,664 में से, तो 864 हमको यहाँ पर बच जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास 864। तो एक बात बताओ, दो पदों के बीच, पहले दो पदों के बीच में अंतर 800 है और दूसरे दो पदों के बीच में यानी A3 माइनस A2 कर रहे हैं तो 864 आ रहा है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस तो बराबर नहीं है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ये तुम्हारा सॉल्यूशन यहाँ से हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th NCERT के मैथ का एक्सरसाइज, यहाँ पर देखेंगे 5.1 और 5.1 का ये जो प्रश्न है दूसरे नंबर का प्रश्न है। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया है ना वो A और D दिया है, यानी कि प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है, हमको क्या करना है प्रथम चार पद को यहाँ पर हमको लिखना है। कैसे लिख सकते हैं तो एक बात हम तुमको बता दे, है ना, यदि AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D हो, तथा सर्वांतर D हो, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, है ना, तो प्रथम, दूसरा, तीसरा और भी चौथा पांचवा पद होगा। अब क्या होगा ये, यदि यहाँ पर AP का प्रथम पद A हो और सर्वांतर D हो तो AP का प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद लिखने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद A हो जाएगा, दूसरा पद A+D हो जाएगा, तीसरा पद A+2D हो जाएगा, चौथा पद A+3D हो जाएगा, पांचवा प्लस पद जो है A+5D यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हम चले चले चलते आगे जा सकते हैं, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, जितना भी पद निकालना है तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर का प्रश्न क्या है, पहले नंबर का प्रश्न है A=10 है और D=, यहाँ पर 10 है, यानी A का मान भी 10 है और D का मान भी 10 है। तो यहाँ पर प्रथम पद लिखेंगे, देखो यहाँ गौर से, प्रथम पद तो यहाँ पर क्या होगा A1 और A1 का मान कितना हो जाएगा, इस तरह से A1 का मान तो 10 ही हो जाएगा। दूसरा पद यानी कि A2 अगर लिखने जाएंगे तो A+D होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, दूसरा पद A+D, तो A का मान 10 है और D का मान कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया 20। तीसरा पद लिखेंगे तो A3 और तीसरा पद क्या होगा A+2D, इट मीन्स A का मान 10 है प्लस 2D, मतलब 2×D 2, और D का मान यहाँ पर कितना है 10 है, तो 10 ले लो, ये कितना हो जाएगा 10+20=30। और इसी तरह से अगर A4 लिखे तो क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे तो लिखेंगे A+3D, A का मान 10 है प्लस 3×D का मान 10 है, कितना हो जाएगा 10+30=40। तो इस तरह से A1, A2 यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमने AP का यहाँ पर निकाल लिया। दूसरे नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है A=, यहाँ पर दे रखा है 2 एंड D=, यहाँ पर दे रखा है 0, ठीक है, A=2 और D=0। तो यहाँ पर प्रथम पद देखेंगे A1=, ये तो 2 ही हो जाएगा। A2 देखेंगे तो ये क्या होता है A+D होता है, क्या होता है हमारा -2 है ना, ये -2 है तुम्हारा, A=-2, तो A1=-2, A+D होता है दूसरा पद, तो A है -2, इसमें D जोड़ेंगे 0, तो कितना होगा ये -2, ठीक है। इस तरह से अगर मानो A3 देखते हैं तो A3 क्या हो जाएगा A+2D, देखो तीसरा पद 1, 2, 30 A+2D होता है, तो A का मान -2 है, 2×D का मान यहाँ पर 0 है,
तो यहाँ पर देखो फायदा है नहीं, माइनस दो होगा और प्लस में दो गुने जीरो जीरो बराबर माइनस का दो। इस तरह से ए फोर यदि निकालते हैं तो ये होगा ए प्लस में थ्री डी, ए का मान माइनस दो, तीन गुने डी का मान जीरो, यहाँ से भी निकलेगा माइनस दो। यानी कि पहला पद माइनस दो, दूसरा पद माइनस दो, तीसरा पद माइनस दो और चौथा पद माइनस दो। यहाँ कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब किसी एपी का, यदि किसी एपी का सर्वांतर जीरो है तो मतलब है कि उसका सारा पद समान ही होगा, एक दूसरे के समान ही होगा। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ से तीसरे नंबर का प्रश्न है तुम्हारे पास, ए का मान चार है एंड डी का मान यहाँ से माइनस का तीन है। ए का मान चार है, डी का मान माइनस का तीन है। तो अगर हम प्रथम पद देखें ए वन बराबर, तो ये तो चार ही रहना है तुमको। दूसरा पद देखें तो ये होगा ए प्लस में डी, इट मीन्स ए का मान चार है प्लस में यहाँ पर माइनस तीन जुटेगा तो ये एक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद देखेंगे ए पी का, ए प्लस टू डी, यहाँ देखो ना तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस टू डी, तो यहाँ से ए प्लस टू इंटू डी का मान कितना है, डी का मान देखो यहाँ से माइनस का तीन है, तो माइनस का तीन हमने किया, ये हो गया ए प्लस नहीं तीन दूनी माइनस का छः। ये ना एक जगह पर क्या रखना है जी, एक जगह पर तो चार आएगा ना, चार, चार में से अगर माइनस छः है प्लस चार है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का दो, कितना हो गया माइनस का दो। इस तरह से ए फोर लिखे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस में थ्री डी, ए का मान है चार प्लस थ्री इंटू डी का मान है माइनस का तीन, चार माइनस का नौ, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का पाँच। तो चार पद ए पी का प्रथम चार पद क्या क्या हो गया, चार यहाँ से एक माइनस दो माइनस पाँच, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब लिख भी सकते हैं इसको, अतः ए पी के चार पद क्या क्या निकल के आ रहा है बाबू बता दो। यहाँ से पहला निकल के आ रहा है एक माइनस दो माइनस एक क्या निकल रहा है, चार, क्या निकल रहा है, चार एक माइनस दो माइनस पाँच, ये ए पी का चार पद तुमको यहाँ से निकल के आ रहा है। इस समय भी इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगला प्रश्न को देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ से चौथे नंबर का प्रश्न है, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है माइनस एक और डी का मान दिया है एक बट्टे में दो, ये तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देन अगर हम लिखे ए वन मतलब ए ही, ये तो माइनस एक हो जाएगा। ए टू का मान होता है बाबू ए प्लस डी, अब ए प्लस डी करेंगे इसका मतलब क्या होता है, माइनस एक और प्लस में एक बट्टा दो, ठीक है। इसको ऐड करो तो क्या होगा, दो एकम माइनस दो और प्लस एक बट्टे में दो, ये होगा माइनस का एक बट्टा दो। ये क्या निकला तुम्हारा, दूसरा पद माइनस का एक बट्टा दो। सिंपल भिन्न का जोड़ है, इसमें तुमको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ए थ्री देखे यहाँ से तो ए प्लस टू डी हो जाएगा, ए का मान माइनस एक प्लस टू इंटू और डी का मान तुमको दे रखा है एक बट्टा दो। देखो दो से दो कैंसिल आउट हो गया, मतलब बचा क्या, माइनस एक प्लस वन बराबर जीरो। तो यहाँ पर तीसरा पद कितना निकल गया तुमको, जीरो निकल गया। आगे देखते हैं इसी एपी में, यहाँ पर जीरो निकल गया। चौथा पद देखेंगे यानी कि ए फोर देखेंगे, ए का मान कितना दिया है हमारा, ए का मान माइनस ए फोर क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, ए का मान माइनस एक प्लस थ्री इंटू डी का मान जो दिया है ना तुमको वो दिया है कितना, एक बट्टा दो। सॉल्व करो, माइनस एक प्लस तीन बट्टे दो, देखो दो एकम दो, माइनस दो प्लस तीन हो जाएगा बट्टे में दो, तीन में से दो घटाएंगे तो एक बट्टा दो, ये कितना हो गया तुम्हारा, एक बट्टा दो। तो इस तरह से एपी के चार पद तुम्हारे पास निकल के आ गए। क्या क्या निकल के आए हैं एपी के चार पद, क्या क्या निकल के आया देखो, यहाँ से पहला पद निकला था तुम्हारा माइनस एक, दूसरा पद निकला तुम्हारा माइनस एक बट्टा दो, तीसरा पद निकला तुम्हारा जीरो और चौथा पद निकला एक बट्टा दो। ये चार पद तुम्हारा एपी का यहाँ से निकल के आ गया। आगे प्रश्न देखिए पांचवें नंबर का, देखो पांचवें नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, ए का मान है तुम्हारे पास माइनस एक दशमलव दो पाँच और डी का मान है माइनस जीरो दशमलव दो पाँच, ये तुम्हारे पास है ए और डी का मान। तुमको निकालना है सबसे पहले ए वन यानी कि प्रथम पद, मतलब ए वन मतलब ए,
यहाँ पर क्या होगा 1.25। दूसरा पद निकालना है मतलब a और प्लस में d हमको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1.25 और प्लस में -0.25। अगर -1.25 में 0.25 ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये जुट जाएगा, तो ये होगा 1.50, ये भी होगा माइनस में। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा पद। तीसरा पद देख लेते हैं, थर्ड टर्म यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा a प्लस 2d। क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान है माइनस का 1.25 प्लस में 2d का मतलब क्या है 2 और गुने d का मान कितना है बाबू -0.25। इसको सॉल्व करते हैं, -1.25 और यहाँ पर 0.25 को 2 से गुना करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कितना होगा 0.5। कितना हो जाएगा 0.50 मान लेते तुम्हारे सहूलियत के लिए, तो ये तुमको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा माइनस का 1.75। कितना निकल के आएगा माइनस का 1.75। इसी तरह से अगर हम मानो a4 निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, तो a प्लस 3d, a4 मतलब a प्लस 3d, a का मान क्या है एक माइनस 1.25 प्लस 3 × d का मान क्या है, d का मान है तुम्हारा यहाँ पर कितना है 0 − 0.25। इसको कैलकुलेट करो, -1.25 और माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 0.75 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा डिट्टो माइनस का 2। तो एपी का जो चार पद यहाँ पर निकल रहा है क्या क्या निकल रहा है लिख देते हैं, एपी के चार पद, ये कौन कौन से पद निकल के आ रहे हैं आओ जरा बात करें। यहाँ पर पहला पद तो 0.25 ना 1 माइनस 1.25, दूसरा पद निकाला तुमने -1.50, तीसरा पद निकाला तुमने -1.75 और चौथा पद निकाला -2। तो ये तुम्हारा एपी का चार पद यहाँ से निकल के आ गया। तो ये था प्रश्न संख्या तुम्हारा 2। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम क्लास 10th NCERT का मैथ एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1 और ये जो एक्सरसाइज है हमारा एपी के इंट्रोडक्शन वाला एक्सरसाइज है। मेनली हमको इसमें समझना है कि एपी क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें हमको इस एक्सरसाइज में जानना है। तो ये जो प्रश्न तुमको दिख रहा है इसमें भी हमको वही करना है, हमको ये तो एक ये बात तो यहाँ पर श्योर है ये जो दिया हुआ है ये एक एपी ही है, यहाँ पर हमको पहचानना नहीं है एपी है कि नहीं। हमको करना क्या है थोड़ा आसान काम है, एपी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है, यानी कि हमको पहला पद बताना है और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर दो पदों के बीच में क्या अंतर है वो बताना है। आओ देखते हैं कैसे करेंगे प्रश्न को। तो यहाँ पर तीसरे का पहले नंबर का प्रश्न है, देखो गौर से क्या दिया हुआ है हमारे पास, एपी दिया है 3, 1 − 1 − 3। प्रथम पद क्या है यहाँ पर, एपी का प्रथम पद ये निकालना है ना तुमको, बहुत आसान है जी, जो पहला पद है वही प्रथम पद है, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया 3 हो गया। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, तो इसको निकाल सकते हैं a2 − a1 से, a2 मतलब दूसरा पद, ये पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद में से अपन क्या करेंगे पहला पद घटाएंगे तो 1 − 3 होगा तो कितना होगा ये माइनस का 2, यानी कि डी कितना निकल गया कॉमन डिफरेंस माइनस का 2, बिल्कुल आसान है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दूसरा जो एपी दिया है वो दिया हमारे पास −5 − 1 − 3 − 7। यहाँ पर बोलेगा प्रथम पद यानी कि हाँ यही लिखो प्रथम पद या बोले तो हम लोग इसे ए से भी इंडिकेट करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा जो पहला पद है वो कितना है -5, तो ये हो गया -5। सर्वांतर या डी पूछ रहा है, इसके अलावा सर्वांतर कितना है या डी कितना है, तो सर्वांतर के लिए क्या करते हैं अपन a2 − a1 कर लेंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा, a2 का मान -1 है और माइनस में क्या करेंगे a1 का मान माइनस का 5 है, घटाओ यहाँ से -1 और प्लस में 5, कितना निकल गया सर्वांतर 4। ठीक है जी, तीसरे नंबर का प्रश्न देखें, तीसरे नंबर का एपी दे रखा है यहाँ पर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यह एपी दे रखा है। तुमको पता करना है प्रथम पद बाबू इसमें क्या है, फिर से वही बात, प्रथम पद मतलब a और a का मतलब जो पहला पद है वही तो प्रथम पद है, तो a 1/3 हो जाएगा। अब बोलना है सर्वांतर कितना है,
सर्वांतर, इट मीन्स कि हमको डी बताना है। डी के लिए क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन करेंगे। ए टू का मान है 5/3, यहाँ पर देखो दूसरा पद और पहला पद है 1/3, घटा देंगे 3, 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो सर्वांतर यहाँ पर कितना निकल गया 4/3। देन हमारे पास लास्ट और चौथे नंबर का प्रश्न है, देखो यहाँ से, ये हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, यह एक एपी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ बात करें प्रथम पद के बारे में, तो प्रथम पद यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 0.6, कितना हो जाएगा 0.6, क्योंकि पहला पद यही है तो 0.6 हो गया। देन अगर हम बात करें सर्वांतर के बारे में, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, फिर से यहाँ पर ए टू माइनस ए वन कर लेंगे, दूसरा पद यहाँ पर 1.7 है और माइनस कर लेंगे 0.6, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1.1 आएगा, घटाएंगे तो 1.1, मतलब कॉमन डिफरेंस हमको कितना निकल गया 1.1। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, सर्वांतर और प्रथम पद को निकाल सकते हो। देन देखते हैं अगले प्रश्न को, लास्ट प्रश्न है हमारा इस चैप्टर का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th NCERT मैथ और एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1, और 5.1 का ये अंतिम प्रश्न यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न। प्रश्न में करना क्या है, यहाँ पर तुमको कुछ संख्याओं का समूह दिया गया है, 15 क्वेश्चन है। हर समूह में से हमको खोजना पड़ेगा कि इन जो समूह हमारे पास है यह एपी तो नहीं बना रहा है, मतलब कुल मिला के देखें तो हमको यह बताना है कि जो संख्याओं का समूह है वह एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्या करना है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, मतलब डी का मान निकालना है। देन इनके और आगे के 3 पद हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो पहले नंबर का जो प्रश्न है तुम्हारा वो है 2, 4, 6, 2, 4, 8 और 16, ये पद दिए गए हैं। अगर ये एपी में होगा, अगर यह एपी में होगा तो हर जगह दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। अपन क्या करेंगे, ये A1 हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालना है अपन को, तो ये 4-2 हो जाएगा, A2 माइनस A1 4-2, ये 2 निकल के आ रहा है। यहाँ पर A3 माइनस A2 करना है, A3 का मान 8 है और A2 का मान 4 है, यहाँ पर 8 में से 4 निकल के आ रहा है। देन हमको क्या करना है, A4 माइनस A3 इसको करेंगे तो ये होगा 16-8 = 8, ये निकल के यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो बात को कि यहाँ पर जो है ना A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। इट मीन्स कि ये जो निकल रहा है ना ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी कहीं भी एपी के अंदर कहीं भी दो पदों का अंतर लेंगे तो वो समान आना चाहिए, तभी वह एपी में होगा। लेकिन यहाँ पर तो समान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, यह एपी में नहीं है। ये हो गया तुम्हारा पहले नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन, आसान है बिल्कुल। इसी तरह से हम चेक करते हुए चले जाएंगे, अगर ये बराबर मिल जाएगा तो एपी में है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखें, दूसरे नंबर का प्रश्न है तुम्हारे पास 2 है, देन 5/2 है, इसके बाद तुम्हारे पास 3 है, फिर 7/2। अब हमको बताना है कि क्या यह जो नंबरों का समूह है क्या वह एपी में है। देखो बाबू, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, इतनी बातें पता है तुमको। अब क्या करना है हमको, सिंपली A2 माइनस A1 निकालना है। A2 का मान 5/2 है, A1 का मान यहाँ से 2 है। अगर इसको तुम सॉल्व करो तो कितना निकलेगा, ये तुमको निकल के आ जाएगा, यहाँ से ले लो। देखो 1, 2, 2, 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 × 2, 5 × 5, सिंपल भिन्न का घटाओ, 1 × 2, 2 × 2, 4, ये कितना निकल रहा है तुमको, 1/2। हमने निकाला A2 माइनस A1 निकला कितना, 1/2। फिर देन दूसरे ओर जाएंगे, अब करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस का A2, A3 है तुम्हारे पास 3 और A2 है फिर से 5/2, इसके नीचे में 1 होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 1, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, देन
ये क्या होगा, एक दुना दो, तीन दुना छः, दो एकम दो और पाँच एकम पाँच, क्या हो गया, दो एकम दो, पाँच एकम पाँच, छः में से पाँच, एक बट्टा दो। यहाँ पर a3 थ्री माइनस ए टू यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, एक बट्टा दो। हमने क्या निकाला, हमने निकाला a2 टू माइनस ए वन एक बट्टा दो, ए थ्री माइनस ए टू एक बट्टा दो, लास्ट वैल्यू है हमारा a4 फोर माइनस ए थ्री। अब ये निकालते हैं, a4 तुम्हारा सात बट्टा दो है और माइनस a3 थ्री यहाँ पर तीन है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम दो हो जाएगा, सात माइनस तीन दूनी छः, ये कितना निकल रहा है तुमको, एक बट्टा दो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर देखें तो क्या निकल के आ रहा है, लिख दो यहाँ ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री बराबर में क्या आ रहा है, एक बट्टा दो आ रहा है। मतलब कहीं भी हम दो पदों का अंतर ले रहे हैं तो वो समान आ रहा है, इट मीन्स यह एपी में है, अतः यह एपी में है। अब देखो यह एपी में है, ये बात क्लियर हो गया। तो डी कितना है बाबू, ये जो तुमने निकाला है ना यही तो डी है, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है ना वही तो डी होता है, तो यही तो तुमने निकाला है। अब ये डी हमको पता चल गया। देखो अब इस एपी में देखेंगे ए का मान कितना है बाबू, बता दो जरा, एपी का में ए का मान दो है, देखो जरा गौर से, दो है, और यहाँ पर डी का मान तुमको एक बट्टा दो है, ये पता चल गया, डी पता चल गया। देखो गौर से देखना, यहाँ पर पहले तीन चार पद तो हमारे पास है ही, तो हमको लिखना है पाँचवा छठा सातवां, यानी क्या कह रहा है कि अगर एपी में है तो आगे के तीन पद भी हमको लिखने हैं, तो चार पद तक तो है ही, हमको लिखना है पाँचवा छठा और सातवां पद। हमको पता क्या है, यदि देखो गौर से, यदि प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी हो तो यहाँ पर हो, तो प्रथम दूसरा तीसरा इस तरह से चौथा पांचवा पद अगर लिखना चाहे तो प्रथम पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस टू डी होगा, चौथा पद ए प्लस थ्री डी होगा, पांचवा पद ए प्लस फोर डी, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से निकलता हुआ चला जाएगा, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इससे पहले वाले प्रश्नों में भी। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, तो प्रथम पद लिखेंगे ना, तीन पद और लिखना है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमको लिखना है पांचवा पद ए फाइव लिखना है, तो ए फाइव को लिखने के लिए ए प्लस में फोर डी लगाना पड़ेगा, ए का मान कितना है दो, प्लस में फोर इंटू डी का मान है एक बट्टा दो, दो दूनी चार, दो और दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए फाइव निकाला कितना, चार। अब हमको निकालना है ए सिक्स, तो ये होगा a प्लस फाइव डी, ठीक है, a प्लस फाइव डी होगा, a का है मान दो, प्लस फाइव का फाइव हो जाएगा, और d का मान यहाँ पर एक बट्टा दो है, इट मीन्स इसको अगर सॉल्व करें तो दो प्लस पाँच बट्टा दो आ रहा है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, एक और दो का एलसीएम हो जाएगा दो, एक दूनी दो और दो दूनी चार, प्लस दो एकम दो, पाँच एकम पाँच, तो ये होगा नौ बट्टे में दो, ये तुम्हारा निकल गया ए सेवन, यानी कि सातवें नंबर का पद, ए सिक्स निकला, देन ए सेवन निकालना है हमको, तो इसके लिए ए प्लस सिक्स डी करेंगे, ए का मान तुम्हारे पास दो है, प्लस में सिक्स इंटू डी का मान एक बट्टा दो है, दो तिया छः, यहाँ बच रहा है दो प्लस तीन बराबर दो तिया, तीन दो कितना हो गया, पाँच हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एपी के, अब लिख भी तो लेते हैं ना, लिख लेते हैं, अतः एपी का अगला तीन पद क्या क्या हमने निकाला है जरा बताओ, चार, उसके बाद नौ बट्टा दो, और फिर निकाला है हमने पाँच, अगला तीन पद ये हमारा निकल के आ रहा है इस एपी में। आगे जो तीन पद आएगा वो आएगा चार, नौ बट्टा दो और पाँच। अगले प्रश्न को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास अब तीसरे नंबर यानी कि थर्ड नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देख लो क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है एपी जो दिया हुआ है हमको, एपी या जो संख्याओं का समूह दिया हुआ, वो दिया है एक माइनस एक दशमलव दो, माइनस का तीन दशमलव दो, फिर यहाँ पर माइनस का पाँच दशमलव दो, फिर माइनस का सात दशमलव
ये हमारे पास एक संख्याओं का समूह यहाँ पर देखो दिया हुआ है। हमको क्या बताना है कि क्या यह एपी है या एपी नहीं। तो बाबू ये क्या हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। मतलब कहने का ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद यहाँ पर हो गया। अब अगर हमको एपी का पता लगाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, मतलब सर्वांतर निकालेंगे। यहाँ पर करेंगे A2 माइनस A1, तो -3.2 और माइनस करेंगे -1.2। इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आएगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, 2 से 2 जीरो हो जाएगा, 0.3 में से एक घटाएंगे, माइनस का 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कितना निकाला, A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 2 निकल के आ रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं A3 माइनस A2 करते हैं, A3 कितना है, माइनस का 5.2, ये है माइनस का 5.2, माइनस यहाँ से हमको घटाना है कितना, माइनस का 3.2। इसको सॉल्व करो, -5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3.2, 2 में से 2 जीरो फिर से हो जाएगा, -5 में अगर +3 डाल देते हैं तो फिर भी हमारे पास -2 यहाँ पर बच रहा है, यानी कि A3 माइनस A2 हमने निकाला, ये भी कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है तुम्हारा -2। अब देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है, -7.2 और माइनस का है, A3 का मान है 5.2। इसको सॉल्व करो, -7.2, माइनस और माइनस हो जाएगा +5.2, 2 में से 2 जीरो और 7 में से 5 घटाएंगे 2। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गौर से देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमको आ रहा है, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, ठीक है जी, बराबर है, कितना है ये, कितना निकला हमारा, 2, माइनस का 2 निकला है, कितना निकला है, माइनस का 2। तो ये क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी संख्याओं का समूह दिया हुआ है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, हर दो पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस बराबर है, यहाँ सर्वांतर समान है, ठीक है, अतः यह किस में है, अतः यह एपी में है। अब बाबू सर्वांतर कितना है, यहाँ ए बराबर तो दिख रहा है, ए बराबर कितना है बाबू, पहला पद क्या है वही बता दो, -1.2, देन डी बराबर यहाँ पर कितना निकल रहा है, -2। अब आगे का 3 पद हमको यहाँ निकालना है, 4 पद तो पहले से दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब हमको 5वां पद निकालना है, यानी A5 निकालना है बाबू। तो A5 बराबर निकालेंगे तो A+4D होगा, A का मान है -1.2 और प्लस में 4D का मान है -2। देखो गौर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.2 और माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो 4 × -8 कितना हो जाएगा, जरा बताओ, 9.2 कितना हो जाएगा, ये 9.2 ये हो जाएगा हमारा 9.2। और ये जो होगा ये होगा माइनस में तुम्हारा, A5 निकाला हमने, A6 निकालते हैं, तो A6 बराबर लिखेंगे तो ये होगा A+5D, A का मान यहाँ पर कितना है, -1.2 और प्लस में 5 का 5 होगा और D का मान है -2। इसको सॉल्व करो, -1.2 और 5 × -10, यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, 10 - 10 और -1.2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -11.2, कितना हो गया, -11.2। देन इधर आ जाए, अब देखना है A7 निकालेंगे तो A+6D होगा हमारे पास, A का मान कितना है, -1.2 और +6 और D का मान है -2,
तो -1.2 और -6×12, 12×1 -13.2। तो ये हमारा जो है ना आगे का तीन पद हमने यहाँ पर निकाल लिया है। क्या लिखेंगे, अतः एपी का अगला तीन पद ये हमने क्या निकाला है। देखो पहला क्या निकाला है हमने, पहला निकाला है 9.2, दूसरा निकाला है 11.2 और तीसरा निकाला है 13.2। ये सारे के सारे किसमें हैं, माइनस में। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। कितना नंबर प्रश्न था ये हमारा, तीसरे नंबर का प्रश्न था। आगे देख लेते हैं, ये तीसरे नंबर का प्रश्न खत्म हो गया, चौथे नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, -10 फिर है -6 फिर है -2 फिर है 2 फिर पता नहीं, ये आगे नहीं दिया है। मतलब तुम जा सकते हो, अगर एपी में होगा तो पता तो कर ही सकते हैं। यहाँ भी सेम काम करना है हमको। देखो A1 हो गया -10, A2 हो गया -6, A3 हो गया -2 और A4 हो गया यहाँ पर तुम्हारे पास 2। करना क्या हमको, सर्वांतर निकाला है हर दो पदों के बीच का अंतर। यहाँ A2 - A1 करो बाबू। A2 का मान कितना है, A2 का मान है यहाँ पर -6, -A1 का मान है -10। इट मीन्स यहाँ पर देखेंगे -6 और प्लस में -10, 10+6- मतलब यहाँ पर होगा तुम्हारा 4। तो A2 - A1 क्या यहाँ पर निकला हमारा 4। आगे देखो, यहाँ पर A3 - A2 करते हैं। A3 का मान है -2, -A2 का मान है यहाँ पर -6, -2, -, हो जाएगा प्लस 6 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ भी बच जाएगा 4। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको करना है A4 - A3। A4 का मान है 2 और यहाँ से -A3 का मान है -2, 2 -- हो जाएगा प्लस, तो बराबर में 4। कहने का क्या मतलब है, A2 - A1 निकाल रहे हैं 4 निकल रहा है, A3 - A2 निकाल रहे हैं वो भी 4 निकल रहा है, A4 - A3 निकाल रहे हैं वो भी 4 निकल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3 के, और ये कितना है 4। अतः क्या है, अतः यह एपी में है। किसमें है, ये एपी में है। अब अगर यहाँ पर हम देखें ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर तुमको मिल जाएगा -10 और डी का मान जैसा कि हमने निकाला है यहाँ पर कितना, 4 का अंतर है, तो डी का मान हो गया तुम्हारा 4। आगे का हमको तीन पद लिखना है, मतलब 4 पद तो दिया है, 5वां, 6ठा और 7वां पद लिखना है। तो A5 बराबर लिखेंगे A+4D बराबर ए का मान कितना है यहाँ पर -10 +4 × डी का मान कितना है 4 है बराबर -10 + 16 कितना हो गया, 16 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। A5 निकला हमारा, A6 निकालना है यानी 6ठा पद निकालना है, A+5D हो जाएगा -10 + 5 × डी का मान है कितना 4, कितना हो गया ये तुम्हारा -10 + 20 कितना हो गया ये 10, 20 में से -10 हटा हट चला जाएगा, 20 प्लस में है 10 माइनस में, तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा सॉल्व करोगे तो। फाइनली हमको निकालना है A7 निकालेंगे तो A+6D यहाँ पर लिखेंगे, तो A का मान कितना है -10 + 6D करना है, 6 × D का मान है 4 -10 + 6×24 प्लस में है -10 - में है मतलब 24 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः एपी का अगला तीन पद ये क्या हो जाएगा हमारा 6, 10, 14। आगे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर अब हमको देखना है प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 5 है, यह भी संख्याओं का एक समूह है और इस समूह में से बताना है क्या ये जो समूह लिखा हुआ है ना, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है संख्याओं का, ये जो प्रतिरूप लिखा हुआ है, यह एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो फिर हमको आगे का तीन पद और सार्वांतर भी पता करना है। आओ जाओ देख लेते हैं कैसे करना है। तो पाँचवें नंबर का प्रश्न है तुम्हारा, प्रश्न जो दिया है वो दिया है तीन, तीन प्लस रूट दो, तीन प्लस उसके बाद क्या है जी, दो रूट दो, फिर है तीन प्लस तीन रूट दो और है कुछ नहीं, बस इतना ही तक है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स तुम्हारे पास दिए हुए, बताना है हमको एपी में है या नहीं। सबसे पहली बात, ये जो तीन है ये ए वन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है तीन प्लस रूट दो, ये ए टू है। देन अगर तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है तुम्हारा तीन प्लस दो रूट दो, यह ए थ्री है। देन हमको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है तीन प्लस तीन रूट दो, ये क्या है, ए फोर है। अब एपी पता करना किस प्रकार से पता करना है ये हमको पता है, हमको सार्वांतर निकालना पड़ेगा, यानी कि हर दो पदों के बीच का अंतर इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, यहाँ पर करेंगे ए टू माइनस ए वन, तीन प्लस रूट दो, ये हमारा ए टू है, ए वन का मान है माइनस का तीन, घटा देंगे, तीन से तीन कैंसिल यानी जीरो हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा यहाँ से रूट दो, कितना आ रहा है, रूट दो आ रहा है। इसके बाद इसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री का मान कितना है, तीन प्लस दो रूट दो माइनस यहाँ पर करेंगे, ए टू का मान है तीन प्लस रूट दो, सॉल्व करो इसको, ये आएगा तीन प्लस दो रूट दो माइनस तीन और माइनस रूट दो, ये कोष्ट खुलेगा ना तो बाहर में माइनस है, माइनस में तीन होगा, ये भी प्लस में है तो प्लस माइनस, माइनस में रूट दो हो जाएगा, तीन से तीन तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, दो रूट दो में से अगर रूट दो घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, रूट दो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। यानी कि हमने ए टू माइनस ए वन किया, रूट दो निकला, ए थ्री माइनस ए टू किया, यहाँ पर भी हमको कितना मिल रहा है, रूट दो आ रहा है। अभी तक बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो ए पी हमको ये बन जाएगा। ठीक है, देन हमको देखना है ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर कितना है तुम्हारे पास, तीन प्लस तीन रूट दो, गौर से देखो ना यहाँ पर ए फोर, तीन प्लस तीन रूट दो और माइनस हो जाएगा तुम्हारा ए थ्री है तीन प्लस दो रूट दो, ये हो गया। अब तीन प्लस तीन रूट दो ये हमारा, और ये कोष्ट जब खुलेगा ना तो कोष्ट के अंदर में जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का तीन और ये होगा माइनस का दो रूट दो, तीन से तीन तो कैंसिल हो जाएगा, तीन रूट दो में से अगर दो रूट दो घटाते हैं तो यहाँ कितना आएगा, रूट दो हमारे पास आएगा। हमने क्या किया, ए टू माइनस ए वन निकाला रूट दो आया, ए थ्री माइनस ए टू निकाला रूट दो आया, ए फोर माइनस ए थ्री निकाला ये भी रूट दो आया, मतलब यहाँ पर जितने भी पद दिए गए हैं सब के बीच का अंतर, हर दो पद के बीच का अंतर यहाँ पर लेते हैं तो रूट दो आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए टू माइनस ए वन बराबर है ए थ्री माइनस ए टू बराबर है ए फोर माइनस ए थ्री, ठीक है, और ये कितना आ रहा है हमारा, रूट दो आ रहा है, अतः यह ए पी है, क्या है, यह ए पी है। जहां गौर से देखना, ए का मान खोजना है हमको कितना है, ए बराबर यहाँ पर तीन है, और जैसा कि तुमको डी का मान जो यहाँ पर मिल रहा है तुमको कितना मिल रहा है, रूट दो मिल रहा है। बाबू एपी में है ना तो इसका आगे का तीन पद भी लिखना है, चार को चार पद तो दिया है, पांचवा पद लिखेंगे, ए फाइव बराबर होगा ए प्लस फोर डी, बहुत आसान है, ए का मान तीन है प्लस फोर इंटू डी का मान रूट दो है, ये क्या हो गया तुम्हारा, तीन प्लस चार रूट दो। इसी तरह से छठा पद लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस फाइव डी, ए का मान तीन है प्लस चार, चार नहीं जी पाँच होगा ना, पाँच इंटू डी का मान रूट दो है, ये हो जाएगा तीन प्लस पाँच रूट दो, ये हो गया तुम्हारा। इसी तरह से a सेवन देखेंगे, सातवां पद a प्लस सिक्स डी, ए का मान तीन है, सिक्स इंटू डी का मान यहाँ पर दो है, ये होगा थ्री प्लस छः रूट दो, ये तुम्हारा यहाँ से निकल के आ गया। अब देखो क्या लिख सकते हैं, अतः
एपी का अगला तीन पद, अगला तीन पद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3+4√2, 3+5√2 और 3+6√2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अगले प्रश्न को देखें, चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। छठे नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास, छठे नंबर में जो संख्याओं का समूह दिया है, देखो यहाँ से 0.22, 0.22, 0.222 और 0.2222। अब देखो समूह जो दिया है ना, पैटर्न जो दिया वो तो मज़ेदार है, लेकिन एपी होगा कि नहीं होगा वो तो खैर चेक करेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स है ये तुम्हारा बनेगा A1, ये हो गया तुम्हारा A2, ये हो गया तुम्हारा A3 और दोनों ये हो गया तुम्हारा A4। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारे पास। गौर से देखना, ये A1, A2, A3 और ये होगा A4। अब हमको क्या करना है, AP पता करना है। तो इसके लिए क्या शर्त रहता है भाई, दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ से A2 - A1 करें तो कितना होगा, A2 का मान है 0.22 और माइनस में 0.2। थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.22 और 0.2 को हम इस प्रकार सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 और 2 में से 2 0, मतलब ये जो निकल के आ रहा है हमको, ये निकल के आ रहा है 0.02। ठीक है जी, A2 - A1 ये कितना निकल गया, 0.02। इसी तरह से करेंगे A3 - A2, तो A3 का मान यहाँ पर कितना है, 0.222 - 0.22, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0.222 इसमें से घटाएंगे 0.22, कितना आएगा देखो जरा, 0.0, मतलब 0.002। ठीक है जी, ये आ रहा है तुम्हारा। फिर अगर हम करते हैं यहाँ से A4 - A3, तो A4 कितना यहाँ पर, 0.1242 - 0.022। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, जाहिर सी बात है यहाँ पर 0.02 मिला, 0.002 मिल रहा है, ये मिलेगा 0.000, तो ये तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या यहाँ पर दो पदों का बीच अंतर हमेशा समान आ रहा है, यहाँ पर 0.02 आ रहा है, यहाँ पर 0.002 आ रहा है, यहाँ पर 0.002 आ रहा है, मतलब यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है, हर जगह दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। अब ये अंतर समान नहीं है, क्या लिखेंगे, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है। इसको दूसरे तरीका में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, A2 - A1 बराबर नहीं है, A3 - A2 बराबर नहीं है A4 - A3 के, अतः क्या बोल सकते हैं, अतः यह AP में नहीं है। ये हो गया तुम्हारा छठे नंबर का प्रश्न। आगे देखो सातवें नंबर का प्रश्न है तुम्हारे पास। सातवें नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है और देखें, सातवें नंबर का प्रश्न है ये, 0 - 4 - 8 - 12, इस तरह से एक तुम्हारा संख्याओं का समूह यहाँ पर मिल रहा है, देखो गौर से। अब जाहिर सी बात है ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा। चेक करेंगे कि यह AP है नहीं, तरीका हमने बताया है, क्या करेंगे, यहाँ A2 - A1 करेंगे, तो A2 का मान -4 है, A1 का मान 0 है, -4 में 0 हटाएंगे कितना होगा -4। फिर करेंगे A3 - A2, A3 का मान -8 है, इसमें से हम माइनस करेंगे -4 को, इसको सॉल्व करेंगे -8 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4, -8 में से 4 निकाल दो, +4 निकालेंगे तो -4 यहाँ पर फिर भी हमारे पास बच रहा है, अभी तक ठीक चल रहा है। फिर करेंगे A4 - A3, तो A4 कितना है हमारे पास, -12, -8, A3 कितना है यहाँ पर -8,
तो यहाँ पर करेंगे माइनस 12, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 8, 12 में से 8 हटा दिए तो हो गया हमारे पास माइनस का 4। ये क्या बच गया हमारे पास? तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, A2 माइनस A1 माइनस 4, A3 माइनस A2 माइनस 4, A4 माइनस A3 माइनस 4। मतलब ये जो एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न में कहीं भी दो पदों का अंतर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस 4 आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए तो जो पैटर्न हमारे पास है, जो प्रतिरूप दिया हुआ है संख्याओं का, वो किस में होगा, A2 में होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के, बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 4। अतः यह AP में है, ठीक है। अतः यह क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला चार पद भी तो, तीन पद भी तो लिखना है ना, तो हम बात कर लेते हैं। अब कितना निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 का मतलब A+4D होता है बाबू। A का मान देखो, पहला पद है 0 लिखेंगे, 4 इंटू डी का मान कितना निकल रहा है, माइनस चार, मतलब 4 × 16 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 16। इसी तरह से A6 बराबर निकालेंगे तो A+5D हो जाएगा। A का मान 0, 5 इंटू डी का मान माइनस 4, 5 × −20। इसी तरह से A7 बराबर निकालेंगे तो A+6D हो जाएगा। 0, A का मान 0, 6 इंटू डी का मान कितना है, माइनस 4, 6 × −24। तो AP का अगला तीन पद क्या होगा, −16 −20 −24। ये तुम्हारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न संख्या 8 है, आओ देखें किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और संख्याओं का प्रतिरूप दिया हुआ है जिसमें हमको एक ही प्रकार की संख्या नजर आ रहा है, मतलब सेम संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब हमको पता करना है कि क्या यह AP में है या नहीं है। तो तुमको पता हो ये पहला वाला टर्म A1, ये A2, ये A3 और ये A4। पता करने का तरीका क्या है, क्या करेंगे जी, A2 में से अपन को A1 घटाना है, मतलब -1/2 और माइनस में फिर से 1/2। देखो -1/2 है, A2 -1/2 है, इसमें से घटाना है हमको -1/2। इसको सब्स्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 और प्लस में 1/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0 निकल के आ गया। आगे देखो फिर करें A3 - A2, तो ये कितना होगा, सेम कंडीशन आएगा, -1/2। देखो A3 -1/2, अब माइनस का फिर से -1/2, तो हम सेम कंडीशन आ रहा है, मतलब 0 ही आना है, ये हम बोल सकते हैं। फिर इस तरह से अगर हम करें A4 - A3, तो A4 का मान भी -1/2 है, माइनस आएगा फिर से -1/2 आएगा, तो ये भी क्या करेंगे, 0 आ जाएगा। मतलब A2 - A1 करते हैं तो भी 0, A3 - A2 करते हैं तो भी 0, A4 - A3 कर रहे हैं तो भी यहाँ पर हमको 0 ही मिल रहा है। क्या बोल सकते हैं, यहाँ A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3 के, और ये कितना है, 0 है। अतः यह प्रतिरूप AP है। यह जो पैटर्न दिख रहा है तुमको संख्याओं का, यह किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, तो हम यहाँ पर अगर आगे की संख्याओं को लिखना चाहे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, -1/2 -1/2 -1/2। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तीन संख्या हमको तीन पद और लिखना है, या फिर ऐसे लिख सकते हो। देखो A बराबर यहाँ पर -1/2 है, D बराबर यहाँ पर कितना है, 0 है। तो अगर हमको यहाँ चार पद तो लिखा हुआ है, पांचवा पद लिखना है A5, तो यहाँ पर होगा A+4D। A का मान तो तुमको पता है -1/2 है, +4 × D का मान 0 है, इट मीन्स कि तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा -1/2। छठा पद लिखा देंगे A+5D, माइनस A का मान -1/2 +5 × D का मान 0, इट मीन्स ये तो पूरा 0 ही हो जाना है, बचेगा क्या, -1/2। और A7 निकालेंगे यहाँ से, तो ये भी होगा A+6D बराबर A का मान -1/2 प्लस में यहाँ से 6 × 0, तो ये हो गया 1/-1/2।
तो इस तरह से तुमको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर क्यों हमने ऊपर बता दिया कि ये बाबू आगे में कितना भी पद लिख लो इस एपी का, वो माइनस एक बट्टा दो ही आएगा। अगले प्रश्न को देख ले। अगला प्रश्न कौन सा है हमारे पास, ये था आठवें नंबर का प्रश्न। अब देखना है हमको नौवे नंबर के प्रश्न को। देखो यहाँ से नौवे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये एक है, तीन है, नौ है, सत्ताईस है। अब बताना है हमको कि क्या यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ए वन का मान कितना है, वन है, ए टू का मान तीन है, ए थ्री का मान नाइन और ए फोर का मान सत्ताईस यानी 27 है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है जी, यहाँ हमको क्या निकालना है, ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान थ्री है, ए वन का मान वन है, देखना यहाँ पर ए टू माइनस ए वन तो ये निकल के आ रहा है दो। इसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू करना है तो ये नौ, ए थ्री का मान नौ है और ए टू का मान तीन है तो ये निकलेगा तुमको छः। फिर ए फोर माइनस ए थ्री करना है, ये ए फोर का मान 27, ए थ्री का मान 9, ये हो जाएगा 18। अब एक बात बताओ, क्या सारावांतर बराबर आ रहे हैं क्या, ए टू, अब क्या ये तीनों बराबर आना चाहिए ना, बराबर तो नहीं आ रहा है, एक दो निकल रहा है, एक छः निकल रहा है, एक 18 निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री, मतलब ये बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर नहीं है तो इस स्थिति में क्या होगा, यह पैटर्न को हिंदी में प्रतिरूप बोलते हैं। तो ये जो है ना एक प्रतिरूप दिया हुआ है ना, प्रतिरूप एपी नहीं है। क्यों नहीं है, कारण यहाँ पर सारवांतर समान नहीं है, इसलिए एपी में यह नहीं होगा। दसवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखो दसवें नंबर का प्रश्न क्या है, ए है, टू ए है, थ्री ए है, फोर ए है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि यह एपी में है। फिर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर यह ए वन हो जाएगा, यह ए टू हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा, ए फोर हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, ए टू माइनस ए वन निकालना है, तो यहाँ पर ए टू का मान टू ए माइनस ए बराबर ए। फिर करना है हमको ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री का मान है थ्री ए माइनस ए टू का मान है टू ए, थ्री ए में से टू ए घटाएंगे फिर आएगा ए। ए फोर माइनस ए थ्री करना है, ए फोर का मान फोर ए, ए थ्री का मान थ्री ए, फोर ए में से थ्री ए घटाएंगे यहाँ पर ए। क्या देख रहे हैं कि हमेशा दो पदों के बीच में ये जो एक प्रतिरूप दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है संख्याओं का, इसमें दो पदों के बीच में अंतर हमेशा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री यहाँ पर, और ये बराबर किसके है, ए के बराबर है। अतः यह प्रतिरूप प्रतिरूप एपी में है। किसमें हो जाएगा, यह एपी में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है जी, आगे देखो यहाँ से। अब चूंकि यह एपी में है तो हमको अगला पद भी तो चाहिए ना, चलो अगले पद को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगले पद को क्या लिखेंगे, देखो ए है, टू ए है, थ्री ए है, फोर ए है, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइव ए, ये होगा सिक्स ए, ये हो जाएगा तुम्हारा सेवन ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान यहाँ पर ए है और डी का मान यहाँ पर कितना है, डी का मान है तुम्हारा ए, एक डी का मान क्या है ए। ठीक है, अब अगर हम मान लो चार पद तो दिया है, पांचवा पद लिखे ए फाइव, तो ये क्या होगा, ए प्लस फोर डी, ऐसा होगा ना, बराबर लिखते हैं ए प्लस फोर डी होगा। तो ए का मान क्या है, ए है, प्लस में फोर इंटू डी का मान भी हमारा ए है, तो फोर ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ये फाइव ए। इस तरह से ए सिक्स बराबर लिखेंगे तो ए प्लस फाइव डी हो जाएगा, ए का मान ए है, फाइव इंटू डी का मान भी ए है, फाइव ए और एक सिक्स ए हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर अगर ए सेवन बराबर लिखेंगे तो ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, ए का मान ए है प्लस फाइव इंटू सिक्स होगा ना, सिक्स इंटू डी का मान भी हमारा ए है, सिक्स ए, सिक्स ए में एक ए जोड़ देंगे तो ये होगा सेवन। ठीक है, इस तरह से इस ए पी का आगे का तीन पद तुमको यहाँ पर निकल के आ जाता है।
तो यहाँ पर हमारे पास अब 11वें नंबर का प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है 11वें नंबर का प्रश्न। यहाँ भी एक पैटर्न हमारे पास दिया हुआ है। क्या पैटर्न है? ये हमारे पास ए है, देन ए स्क्वायर है, देन ए क्यू है, देन हमारे पास ए फोर है। बताना है क्या ए पी में है या ए पी में नहीं है। तो यहाँ से अगर तुम करो ए टू माइनस ए वन, मानो ये है ए वन, ये है ए टू, ये है ए थ्री और ये है ए फोर। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगर हम करें ए टू माइनस ए वन करें तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा ए स्क्वायर और माइनस का ए वन। अच्छा, यहाँ पर हमने कैपिटल में ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर इसलिए लिया है कि यहाँ पर ए ए स्क्वायर, वहाँ पर क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए रहेगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पदों का जो नंबरिंग है वो क्या क्या कर दिया, हमने कैपिटल में कर दिया कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए। तो ए स्क्वायर और माइनस में ए करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ए कॉमन आ जाएगा, ए माइनस वन हो जाएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पर अगर हम करें ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री है ए क्यू और माइनस ए स्क्वायर, ए टू जो है वो क्या है, ए स्क्वायर। इसको हम यहाँ से ए कॉमन ले ए स्क्वायर तो कितना आएगा, ए माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह से ए फोर माइनस ए थ्री करें तो यहाँ पर क्या आएगा, ए पर पावर फोर और माइनस का, देखो ए थ्री कितना है, ए क्यू, ए क्यू यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बराबर है क्या? हर जगह पर दो पदों के बीच का अंतर समान है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यू है। हालांकि ये इक्वल है, ए माइनस वन, ए माइनस वन, ए माइनस वन इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू, मतलब कहीं ना कहीं ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ए टू माइनस ए वन बराबर नहीं है, ए थ्री माइनस ए टू बराबर नहीं है, ए फोर माइनस ए थ्री के, अतः यह प्रतिरूप एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है, यह एपी में नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए जी, गिला हो गया 11वें के बाद 12वें नंबर का प्रश्न देखो। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न है तुम्हारा, क्या है देखो, यहाँ से क्या है प्रश्न तुम्हारे पास, रूट दो रूट आठ, रूट दो रूट आठ, रूट अट्ठारह और रूट बत्तीस। गौर से देखना, यहाँ पर हम कुछ करेंगे, वहाँ पर समझो बात को। देखो गौर से, ये रूट दो है, रूट आठ को लिख सकते हैं दो गुने चार रूट के अंदर में ही, रूट अट्ठारह को लिख सकते हैं दो गुने नौ, और रूट बत्तीस को लिख सकते हैं सोलह गुने दो। क्या लिख सकते हैं, सोलह गुने दो। हमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया देखो समझो, यहाँ से रूट दो का रूट दो हो जाएगा, ठीक है, रूट दो, और चार का वर्गमूल निकल रहा है, मतलब चार का वर्गमूल कितना होगा, दो, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा दो रूट दो, ठीक है। फिर नौ का वर्गमूल निकालेंगे तो तीन, ये बाहर निकल के आ जाएगा तीन रूट दो। फिर यहाँ पर चार का वर्गमूल निकालेंगे तो सोलह का वर्गमूल निकालेंगे चार हो जाएगा, तो ये हो गया चार रूट दो। जो एपी का तुमको टर्म बन रहा है ना, ऊपर वाले को मत देखो, अब इसको देखो, तुम इसको देखो, ये तुम्हारे एपी का पद है, एपी का टर्म है। अब देखेंगे यहाँ पर ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ये ए थ्री हो गया और ये ए फोर हो गया। चेक करना है क्या यह एपी में है या नहीं है, तो बिल्कुल आसान तरीका है। अब क्या कर लेंगे जी, ए टू माइनस ए वन करेंगे, ए टू का मान क्या है, दो रूट दो है, अब माइनस का रूट दो है, दो रूट दो में से रूट दो हटाएंगे तो कितना होगा, रूट दो हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री का मान है तीन रूट दो और माइनस में दो रूट दो, तीन रूट दो में से दो रूट दो घटा देते हैं तो फिर भी हमको कितना आ रहा है, रूट दो ही आ रहा है। फिर यहाँ पर करेंगे ए फोर माइनस ए थ्री, तो यहाँ पर चार रूट दो, ए फोर चार रूट दो है, माइनस में करेंगे तीन रूट दो, तो चार में से तीन यहाँ भी निकल रहा है रूट दो। यानी कि सार्वान्तर दो पदों के बीच का अंतर जो है हर जगह क्या है, समान है। जब भी ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर यहाँ ए टू माइनस ए वन बराबर है ए थ्री माइनस ए टू के बराबर है ए फोर माइनस ए थ्री के, और ये जो है कितना है, रूट दो है। अतः यह प्रतिरूपम एपी में होगा। क्या होगा, यह एपी में होगा, जैसा तुमको पता है यह क्या हो जाएगा,
एपी में हो जाएगा। ठीक है, अब एपी में हो गया तो इसका अगला पद भी तो लिखना है, तो आ जाओ जी देखेंगे। तो ए का मान इस एपी में क्या है, ए का मान देखो रूट दो दिया है, ए का मान कितना है रूट दो, ठीक है। और डी का मान क्या है, डी का मान तुमको निकल रहा है यहाँ पर, डी का मान भी रूट दो ही निकल रहा है, डी का मान रूट दो आ रहा है। तो आगे का तीन पद लिखना है, चार पद तक तो हमारे पास है ये, तो आगे का हमको लिखना है, ठीक है जी, आगे का हमको लिखना है चार पद। क्या हो जाएगा तुमको देख लो यहाँ से, आगे का चार पद हो जाएगा तुम्हारा ए फाइव, तीन पद लिखना ना, ए फाइव लिखेंगे तो ए प्लस फोर डी हो जाएगा, ए का मान है रूट दो और फोर डी का मान है रूट दो, कितना है तुम्हारा डी का मान है रूट दो, चार रूट दो और रूट दो कितना हो जाएगा बुआ पाँच रूट दो। छठा पद लिखेंगे तो ए प्लस फाइव डी लग जाएगा यहाँ पर, ए का मान रूट दो, पाँच का पाँच और यहाँ पर रूट दो लगा दो, ठीक है, पाँच रूट दो और रूट दो कितना होगा छः रूट दो। सातवां पद लिखेंगे ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, तो ए का मान रूट दो प्लस सिक्स रूट दो, अच्छा गुना करके भी लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो भी क्या आएगा सिक्स रूट दो ही आएगा, सिक्स रूट दो और रूट दो कितना होगा ये सेवन रूट दो, ठीक है जी। अच्छा देखो ऐसा आंसर हो सकता है तुम्हारे बुक में नहीं हो, इससे डिफरेंस आंसर भी आ सकता है, कैसे बोले तो अगर इसको हम रूट के अंदर ले गए ना बाबू तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से पाँच रूट दो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में, रूट के अंदर में दो तो है ही, रूट के अंदर में जाके पच्चीस हो जाएगा, बाहर निकलने के बाद पाँच आया तो रूट के अंदर में जाके पच्चीस होगा, मतलब रूट अंडर पचास हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको देखें छः रूट दो को तो क्या होगा दो गुने छत्तीस हो जाएगा, ये रूट के अंदर में जाके छत्तीस दुना रूट अंडर बहत्तर हो जाएगा। इसी तरह से देखें हम सात रूट दो को तो ये हो जाएगा दो तो है ही सत सत्य उनचास अंदर में होगा, उनचास दुना रूट अंडर 98 तुम्हारा हो जाएगा। तो हो सकता है तुम्हारा ये अगला तीन पद में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, चेक करना क्या दिया हुआ है और बताना, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें कितना नंबर हो जाएगा, बारहवें नंबर का हो गया जी हमारा। तेरहवें नंबर का प्रश्न देखो यहाँ से क्या है, तेरहवें नंबर का प्रश्न है हमारे पास रूट तीन रूट छः रूट नौ और रूट बारह। एक बात बता दो यार, ये ए वन है, ये ए टू है, ए थ्री है और ये ए फोर है। अगर यहाँ से हम करते हैं ए टू माइनस का ए वन तो इसका मतलब हम रूट छः में से रूट तीन घटाएंगे, रूट छः में से रूट तीन घटाएंगे ना, तो क्या ये घटने वाला है तुमको नज़र आ रहा है, घटेगा नहीं घटेगा, तो मतलब यही रहने वाला है यहाँ से, ठीक है। या इसको इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, हाँ एक काम कर सकते हैं रूट तीन कॉमन ले लेंगे और थोड़ा देख लेते हैं ना आगे, रूट तीन कॉमन ले लेंगे तो रूट दो माइनस का रूट तीन ये बच जाएगा तुम्हारा। फिर अगर हम देखें रूट ए थ्री माइनस ए टू करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट नाइन और माइनस का रूट छः, क्या हो जाएगा रूट नाइन माइनस का रूट छः। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अपन, और नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसको ऐसे ही लिख लो तीन माइनस रूट छः, सीधा सीधी कर दो ना तीन माइनस रूट छः। अब यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, तुम दशमलव लगाओगे तो मान तो अलग ही आना है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम करें ए फोर माइनस ए थ्री तो ये होगा रूट बारह माइनस रूट नौ, मतलब रूट बारह को लिख सकते हैं दो रूट तीन और रूट नौ को हम लिख सकते हैं तीन। तो यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इससे आगे, अगर निकालेंगे तो डिफरेंट नंबर ही मिलेगा, कहने का मतलब D का मान अगर A2 A1 कोई इक्वल नंबर मिलता हमको, A3 A2 कोई ऐसा नंबर, तीनों बराबर होना चाहिए ना, बराबर तो यहाँ पर लग नहीं रहा है। अगर तुम मान लो इससे आगे हल करने का क्या तरीका है, इससे आगे हल करने का तरीका है कि हमको जो रूट का मान दशमलव में होता है वही रख के हल करना पड़ेगा, फिर भी हमको इक्वल वैल्यूज यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, A4 माइनस A3 के, अतः क्या बोल सकते हैं बाबू, अतः यह प्रतिरूप AP में नहीं है,
तो ये एपी में तुम्हारा नहीं होगा। लास्ट का दो प्रश्न बचा है और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न, चौथे का 14वें नंबर एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। क्या करना है, पता करना है क्या ये एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ है ना वर्ग, इसको हटा लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। मतलब ये a1 हो गया, a2 9, a3 25 और a4 यहाँ तुम्हारा निकल रहा है 49। ये तुमको यहाँ से निकल के आ गया। अब क्या करना है, सिंपली हमको यहाँ से a2 माइनस a1 निकालना है। मतलब दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे, 9 में से 1 बराबर 8। फिर हमको निकालना है a3 माइनस a2, यहाँ पर करेंगे 25, a3 का मान 25 है, a2 का मान 9 है, 25 में से 9 घटाएंगे तो तुमको मिलेगा 16। फिर करेंगे a4 माइनस a3, अब a4 माइनस a3 करेंगे तो a4 है तुम्हारा 49, देन a3 है 25। अब यहाँ से घटाओगे, 9 में से 5 4, 4 में से 2 2, कितना निकल गया, 24 निकल के आ गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो पदों के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब 9 और 1 9 के बीच का जो अंतर है वो 8 आ रहा है, 9 25 के बीच का अंतर 16 आ रहा है, 25 49 के बीच का अंतर 24 आ रहा है। तो यहाँ पर दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a4 माइनस a3 के, अतः यह प्रतिरूप एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ये हो गया तुम्हारा 14वें नंबर का प्रश्न। लास्ट प्रश्न देखेंगे 15वें नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पर, ठीक है। 15वें नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पर, देखो क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, देन 73, ठीक है। अब इसको भी तोड़ लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73 बच रहा है, आगे भी चलेंगे हम। ये देखो ये बन गया तुम्हारा। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये तुम्हारा a1 हो गया, a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये हो गया तुम्हारा a4, पता चल गया तुमको। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब सिंपली a2 माइनस a1 निकालना है, तो 25 में से 1 घटाएंगे, ये निकलेगा तुम्हारा 24। फिर करना है हमको a3 माइनस a2, a3 का मान देखो 49 है और a3 का मान 25 है, ये भी घटाते हैं तो निकलता है 24। इसी तरह से a4 माइनस a3 निकालते हैं तो 73 माइनस 49 निकलता है, ये भी तुम्हारा निकल रहा है 24। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यहाँ a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, ये जो है क्या है, ये है हमारा ये सारे सारे बराबर है, और ये कितना के बराबर है, 24 के बराबर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सार्व अंतर बराबर है, मतलब कहीं भी दो पदों के बीच के अंतर देख रहे हैं ना, तो वो 24 ही निकल के आ रहे हैं, अतः क्या बोल देंगे, अतः यह एपी में है, ठीक है, यह एपी में हो जाएगा। अब क्या करना है, आगे का 3 पद हमको निकालना है, तो देखो यहाँ से a बराबर यहाँ पर कितना है 1 और d बराबर है तुम्हारा 24, d बराबर कितना है 24। अगर हम निकालना है हमको a5, 4 तक तो हमको दिया है ना, 5 निकालना है, क्या करेंगे a प्लस 4d करेंगे, a का मान कितना है 1 प्लस 4 इंटू d का मान है 24, 24 होगा कितना होगा 1 प्लस 96 बराबर हो जाएगा 97। इसी तरह से a6 बराबर होगा a प्लस 5d, a का मान कितना है तुम्हारा 1 है, प्लस 4 इंटू 4 नहीं 5 ना, 5d है तो 5 हो गया ना, 5 इंटू यहाँ पर 24 ही लगाना है, 1 प्लस 24 पंचे 120, ये होगा तुम्हारा 121। a7 निकालोगे तो a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है, ये 1 का 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या, ये जो है हमारा हो जाएगा 5d ना, तो 6 इंटू डी का मान है 24, 1 प्लस 24 आके 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 145। अतः इस एपी का जो अगला 3 पद निकल के आएगा तुम्हारा क्या निकल के आएगा, 97 121 145। ये तुम्हारा जो एक्सरसाइज है 5.1 यहीं पे।